मौत के बाद उनकी 14 फिल्में हुई थी रिलीज। जाने स्मिता पाटिल की दिलचस्प कहानी। 17 अक्टूबर को स्मिता पाटिल का जन्मदिन होता है। अगर आज वो जिंदा होती तो हम उनका 62वां जन्मदिन मना रहे होते। 31 साल की कम उम्र में ही स्मिता पाटिल का निधन हो गया था। डेथ के बाद उनकी 14 फिल्में रिलीज हुई। गलियों का बादशाह उनकी आखिरी फिल्म थी। आज भी जब कभी बॉलीवुड के संवेदनशील कलाकारों का जिक्र होता है तो उनमें स्मिता पाटिल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सिनेमा के आकाश पर स्मिता एक ऐसे सितारे की तरह हैं जिन्होंने अपनी सहज और सशक्त अभिनय से कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे शहर में जन्मी स्मिता के पिता शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी माँ एक समाज सेविका थी। लगभग 2 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच चलक पहचान बनाने वाली इस अभिनेत्री ने महज 31 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को इस दुनिया को अलविदा कहा। स्मिता जब महज 16 साल की थी तभी वो इंडियन रीडर की नौकरी करने लगी थी। आपको बता दें, खबर पढ़ने के लिए स्मिता दूरदर्शन में जीन्स पहनकर जाया करती थी, लेकिन जब उन्हें न्यूज पढ़ना होता तो वो जीन्स के ऊपर से ही साड़ी लपेट लेती। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई और बेनेगल ने स्मिता की प्रतिभा को पहचानकर अपनी फिल्म चरण दास चोर में एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। 80 के दशक में स्मिता ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर अपना रुख कर लिया। इस दौरान उन्हें तब के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति में काम करने का मौका मिला। यह फिल्में कामयाब रही। 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। इसी साल भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कदशक से छोटे फिल्मी सफर में स्मिता पाटिल ने 80 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय के कई कीर्तिमान रचे। उनकी कुछ चर्चित फिल्में थीं निशांत चक्रमंथन, भूमिका गमन, आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अर्थ बाजार, मंदी, मिर्च मसाला, अर्धसत्य, शक्ति, नमक हलाल, अनोखा रिश्ता आदि। व्यवस्था के बीच पिस्ती एक औरत के संघर्ष पर आधारित केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। फिल्म भूमिका और चक्र में श्रेष्ठ अभिनय के लिए 2 नेशनल अवार्ड्स के अलावा दूसरी फिल्मों के अलावा उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। स्मिता पाटिल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी बढ़ती शोहरत के साथ साथ विवादों के वजह से भी वो चर्चा में रहीं। स्मिता पाटिल पर घर तोड़ने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। गौरतलब है कि जब राज बब्बर के साथ उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं, तब मीडिया ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि राज की शादी नादिरा से हो चुकी थी और वो स्मिता के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे थे। ऐसे में लोगों को नादिरा से सहानुभूति थी और स्मिता को काफी भला बुरा कहा जा रहा था। राज बब्बर के 2 बेटे हैं, उनकी पहली पत्नी नादिरा से आर्य बब्बर और स्मिता से प्रतीक बब्बर।